हेलो नमस्कार, जय जवाहर दोस्तों, मैं आसिफ कुशवाहा स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अभी मैं ब्रश करने के लिए आया हूँ अपने बारी में और आज के ब्लॉग में देखते हैं क्या क्या होता है। आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और आज मैं आप लोगों को अपना लाइफ का डेली रूटीन दिखाने वाला हूँ, मतलब कि आज का क्या होने वाला है ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सुबह सुबह मैंने चाय गरम कर लिया है और इसको गरम करके जल्दी से पीते हैं। तो ये पी रहा हूँ मैं चाय और अभी चाय पीने के बाद मुझे खेतों में जाना है, कुछ काम है। तो आप लोगों से खेत में जाते हुए रास्ते में ही मिलता हूँ और दिखाता हूँ क्या काम है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में और अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में गेहूँ दहाने के लिए और पीछे मेरा भाई बैठा है पिंटू, मिलिए पिंटू से। हेलो बोल। हेलो गाइस, सब्सक्राइब दोस्तों। तो अभी हम लोग चलते हैं और आप लोग को आज के ब्लॉग में दिखाता हूँ क्या क्या होता है। तो अभी दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने नदी वाले खेत में और इधर देखिए नदी है और इधर हम लोग अभी पंप लगा रहे हैं। फिलहाल अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक छोटा सा वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत रहता है यहाँ का नज़ारा। तो आप लोग को देखिए ये छोटा सा वाटरफॉल और इसी नदी में अभी हम लोग पंप वंप लगाएंगे और इधर हम लोग का खेत है तो अभी आप लोग को दिखाऊँगा। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ नदी से पानी निकालने के लिए और पानी ला के पंप में भरना है। तो ये देखिए कितना खतरनाक जगह है यहाँ पर और यहाँ से भी पानी निकालता हूँ। ये देखिए फुटबॉल को इसको अंदर डाल देता हूँ पहले। ये देखिए दोस्तों पहले गांव के लोग ऐसे पानी निकालते थे और अपने घर में ले जाते थे और इसको अभी डालते हैं पंप में। तो दोस्तों अभी हम लोग पाइप बिछा रहे हैं और इधर देखिए हम लोग का रहर का पूरा बाड़ी है ये और इधर से पिंटू आ रहा है और अभी आप लोग को अपना खेत दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये हम लोग का खेत और यहाँ पर हम लोग गेहूँ वगैरह बोए हुए हैं। तो ये गेहूँ को आज दाना है, उधर भी है और इधर देखिए पूरा ये रहर का पूरा बाड़ी है और यहाँ पर कहीं कहीं पर बैर का पेड़ भी है। तो आप लोग को वो भी दिखाऊँगा, बैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब आप लोग को बता दूँ कि आसपास के लोग यहाँ पर बैर खाने के लिए आते हैं और ये देखिए आपको जितना दिखाई दे रहा है ये पूरा बैर का पेड़ है ये देखिए। और अभी बैर फड़ा भी है तो वो भी दिखाऊंगा आप लोग को। और ये दोस्तों हम लोग का गेहूं का खेत है और इधर भी है और अभी हम लोग इसमें गेहूं बोए हुए हैं, इसी को अभी पानी दाना है। पंप लगभग लग ही गया है और यहाँ का काफ़ी शांत वातावरण रहता है ये देखिए, मतलब कहीं का शोर शराबा नहीं और बिल्कुल शांत ये देखिए। और दोस्तों इधर हो गया पंप चालू और ये देखिए पानी आ रहा है इतना ज़्यादा और इसको अभी छोड़ देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं बैर खाने के लिए और ये देखिए बैर के पेड़ में कितने सारे बैर फड़े हुए हैं और अभी इसको तोड़ते हैं। तो गाइस देख सकते हो अमेजोन के जंगल से हम लोग यहाँ पे बैर ला के आए हैं। ये कुछ फल दिखाई दे रहा है, ये बैर इसको बोला जाता है और इसको भी खा के बताता हूँ कैसा है। और ये देखिए कितना बड़ा बैर का पेड़ है और बाकी बहुत सारे बैर के पेड़ हैं लेकिन वो सारे छोटे छोटे हैं। इधर भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इधर भी बहुत सारे बैर के पेड़ हैं और काफ़ी बड़ा बड़ा है और इधर भी छोटा सा है जो भी आप लोग को मैंने दिखाया। अब दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि बैर कैसे खाते हैं। तो ये देखिए इसको ऐसे खाते हैं, बहुत मज़ा आया उसको ऐसे खाते हैं। और अभी चलते हैं और ब्लॉग में तक आप लोग बने रहिएगा, देखते हैं क्या क्या होता है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ भी एक बैर का पेड़ है और काफ़ी पास पास में इसको हाथ से तोड़ सकते हैं। पहले इसको हिला लेता हूँ मैं, ये देखिए इतना छोटा सा पेड़ है और काफ़ी फड़ा है पूरा और अभी पूरी तरह से पक नहीं पाया है, अभी स्टार्टिंग दौर पर है। ये देखिए इसको खाते हैं और ये देखिए बहुत सारा गिरा हुआ है नीचे। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ खेत के साइड से घर और इधर देखो मयंक बाबू क्या कर रहे हैं। बाबू गाड़ी चला रहा है, चला तो कैसे चलाता है देखूँगा। अरे वाह, कौन बनाए हैं मयंक, कौन बनाई से? कौन पापा? बड़े पापा? ये बड़ा मस्त है यार। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं मयंक? कौन सा क्लास में? आज इसको कहीं नहीं है, छुट्टी है। कहाँ चीज का? कहाँ चीज की छुट्टी है? विदा हड़ताल का, हड़ताल का। कौन गई थी हड़ताल में? मैडम गई। क्यों नहीं गया तुमको? हाँ। छुट्टी है तो आज दिन भर घर रही है ना? तो आज जा रही है टिक्की स्कूल। तो अच्छी टिक्की आज छुट्टी ना है? नहीं है।
हड़ताल है। विद्या तो बोला थे कि हड़ताल है। विदा मीटिंग रही, चल रहा है कल मीटिंग रही, नहीं है छुट्टी ना, बाय। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ अपने घर के बाड़ी साइड में और मेरे को मिल गया सीताराम। ये देखिए, हेलो सीताराम बोल। हेलो। और अभी क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था। नहीं तो ये देखिए, अभी पतंग उड़ा रहा था तो अभी मैं उड़ा के इसको दिखाता हूँ। तो ये पकड़ सीताराम मोबाइल ऊपर। कैसे सीताराम, कितना ऊपर उड़वाना है? बहुत ऊपर। ये देखिए गाइस, चल दिया ऊपर। बहुत ऊपर आ गया है। और ये देखिए दोस्तों, कितना ऊपर चला गया सीताराम का पता। और दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी बैलों का पहला देने के लिए। और इधर देखिए पिंटू खेल रहा है गेम और आज कॉलेज भी नहीं गया है। हेलो गाइस, देखो फ्री फायर खेल रहा हूँ यार। और अभी इसको कॉलेज में मारते हैं इसीलिए जाता नहीं है कॉलेज। मैडम इसको बहुत डांटती है। ऐसा कुछ नहीं दोस्त है, दोस्त लोग बताते हैं बहुत डांटते हैं इसको। और पढ़ने लिखाने में पूरा जीरो हो गया है, पूरा दिन गेम खेलते रहता है। और अभी जा रहा हूँ बैलों को पैरा देने के लिए। दोस्तों अभी मैं बैलों को पैरा दे दिया हूँ और ये पैरा खा रहे हैं। और हम लोग के पास अभी चार बैल हैं और एक गैया है इधर, ये देखिए। और अभी आज के ब्लॉग को इतना ही करते हैं और आई होप आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट करिए मुझे और वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।